सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पौष अमावस्या के बारे में, जो कि आने वाली 11 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। ये आने वाली 11 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन स्नान और दान का महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने का जो विधान है, क्योंकि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में आपको जाके स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो किसी सरोवर या कुंड में जाकर जरूर स्नान करें। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने से पहले एक चम्मच गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। ये पितरों की तिथि है, ये पितरों से जुड़े हुए सभी कार्य किए जाते हैं। ये दिन पितरों से जुड़े हुए स्नान दान से जुड़ी हुई है। इस दिन पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि सभी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि अमावस्या हर महीने आती है और अपने पितरों से जुड़े हुए कोई भी कार्य तो वो इसी दिन किए जाते हैं, जैसे पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण। ये सभी कार्य करने से जो है आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, उनकी आत्माएं शांत होती है, वह आपको खुश रहने का आशीर्वाद देती है। क्योंकि कई बार देखा गया है यदि पितर नाराज होते हैं तो घर में कष्ट कलेश का सामना भी करना पड़ता है। कई बार तो कुंडली में भी पितर दोष देखा गया है। तो आपकी कुंडली का पितर दोष दूर करने का ये सबसे अच्छा दिन है और अपने पितरों को प्रसन्न करने का। यूँ तो श्राद्ध के 16 पक्ष आते हैं अश्विन मास में, मगर हर महीने अमावस्या भी आती है, जिस दिन पितरों से जुड़े हुए सभी कार्य किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है अमावस्या, तो सभी पितरों से जुड़े हुए कार्य करने का काफ़ी अच्छा दिन है ये। यदि आप ये सभी काम करते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलती है, वह उनकी मुक्ति होती है जन्म मरण के बंधन से। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद जो है पीपल पर जल चढ़ाएं, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें तांबे के लोटे से, उसके बाद पीपल पर जल चढ़ाएं, कुछ मीठा जरूर मिला लें जब जल चढ़ा रहे हो। सरसों के तेल का दिया जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इस दिन गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और उसे दान दक्षिणा आदि जरूर करें। साथ ही किसी ब्राह्मण को भी जो है इस दिन जिमाना चाहिए, यानी कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उसे भोजन कराएं, उसे जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना दान करें, वस्त्र दान होता है थोड़ा बहुत, जो भी भोजन दान या फल कुछ भी उसे दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब आप ब्राह्मण को दान करते हैं, गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो इससे जो है आपके पितरों को मिलता है, जो जिससे आपके पितर शांत होते हैं और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट क्लेश खत्म होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कुंडली में पितृ दोष यदि बन रहा हो तो उससे दूर करने का भी ये सबसे अच्छा दिन है। कई बार देखा है कि कुंडली में जब पितृ दोष होता है तो घर में क्लेश रहता है, जैसे नौकरी ना लगना, घर में आर्थिक तरक्की रुक जाना, लड़ाई झगड़े रहना और कोई काम ना बनना, व्यापार में घाटा रहना, संतान का ना होना या होकर मर जाना, तो इस तरह की कई तरह की बाधाएँ जो है देखी गई है। तो इसलिए कुंडली में पितृ दोष दूर करने का भी ये सबसे अच्छा दिन है। तो इस दिन अपने पितरों से जुड़े सभी कार्य जरूर करने चाहिए। गुरुवार के दिन पड़ रही है पौष अमावस्या, ये बहुत ही अच्छे आए। तो 11 जनवरी को तो आ जाना आपने पौष अमावस्या के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।